तो आज लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत के हिंदी जर्नलिज्म के टीवी के सबसे बड़े स्टार रवीश कुमार हमारे साथ हैं। और रवीश जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपसे चंद प्रश्न बहुत जल्दी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब आपने स्वयं ये शब्द दिया है कि भारत में गोदी मीडिया का बोल बाला है, क्या आपको वाकई लगता है कि भारत के अधिकतर जो पत्रकार हैं वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठे हैं? फैजान साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने तो कम कहा है, इसलिए उसे एक छोटा सा नाम दिया है ताकि लोग उस प्रोसेस की तरफ लोगों का ध्यान जाए। लेकिन अगर आप कंटेंट रिजल्ट की तरफ देखें और कुछ अपवादों को आप छोड़ दें, तो भारत की पत्रकारिता में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर बात की जाए। बात इसलिए की जानी चाहिए कि क्या इसको अब बचाया जा सकता है। दो तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। एक, बाजार और सरकार का इंटरफेरेंस तो है ही, लेकिन जो पत्रकारिता का जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, जिसमें एक रिपोर्टर है, जिसमें एक डेस्क पर्सन है, सब एडिटर है, जिसमें न्यूज एडिटर है, जिसमें एडिटर है और जिसमें एंकर भी है, ये पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आइडियोलॉजिकली एक बड़ा हिस्सा इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। अब वो हर सवाल को एक एक रिलीजियस मेजॉरिटी के टेक ऑफ पॉइंट से देखता है। उसने एक पूरे देश में एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका बेसिस बदल दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, उनका सोशल और पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा है फैजान साहब, और वो जर्नलिज्म नहीं करने के बाद भी वो बहुत ज्यादा है। और ये बता रहा है कि एक इस मीडिया ने सबसे पहले लोगों को सपोर्टर बनाया और उनको, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है वो सिर्फ अपने नेता का वर्जन सुनना चाहता है, उन्होंने आज क्या कहा नहीं कहा, इसी तरह के मासेस को उसने ट्रांसफॉर्म किया है। और अब उस मीडिया के जिस ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर इतना कोलैप्स कर गया है कि अगर आप न्यूज कवरेज के कॉन्टेंट को मैपिंग करें उसकी, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर खबरें दिल्ली की हैं। अब मुंबई भी हैसियत नहीं रखती है खबरों की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, और जो भी उसके अलावा तस्वीरें आ रही हैं किसी भी न्यूज चैनल पर, या तो वो लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो हैं जो वायरल होते हुए, या उनके द्वारा पहुंचाई गई चीजें हैं। तो न्यूज का इन्वेस्टिगेशन, न्यूज की डिस्कवरी, न्यूज की खोज, ये काम बंद हो गई है। तो आपको इस मीडिया के जरिए सूचना नहीं मिल रही, जो सूचनाएं मिल रही हैं वो उस ग्रैंड नैरेटिव के आसपास की सूचनाएं। जैसे आप तबलीग के बारे में तो जानेंगे कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, ठीक बात है, लेकिन उसी तरह से दूसरी और जगहों पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ उसके बारे में आप कम जानेंगे, या जानेंगे तो शायद उस तरह से नहीं जानेंगे जिस तरह से आप तबलीग के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए अब जो मीडिया का काम है वो इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है, बल्कि वो नैरेटिव या परसेप्शन गिवर है, कि हमको क्रिएटर है, कि हमारा काम आपको इन्फॉर्म करना नहीं है, हमारा काम उस परसेप्शन के कुएं में आपको बनाए रखना है। मीडिया चाहता है कि जो उसका दर्शक है वो दर्शक ना होकर मेंढक बन जाए और उसके बनाए कुएं से वो कभी बाहर नहीं आ सके। तो ये सूरत हाल है भारत की मीडिया का। मैंने किसी रिएक्शन में नहीं कहा, हालांकि वो वक्त ऐसा था कि लगा कि रिएक्शन में कहा है, लेकिन इसके भीतर के जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुए हैं
उसको देखकर कहा कि अब इस मीडिया को रिकवर होने में हम और आप शायद ना देख पाए, एकाध खबरें कहीं कहीं हो जाती हैं, लोग क्लेम करते हैं, लेकिन अब उसमें उतना दम नहीं बचा कि हम उन खबरों को लेकर जिसमें बिलीव हो कि ये स्टेट से आप सताए गए लोग हैं तो मीडिया आपके साथ खड़ा रहे। अब अगर स्टेट ने आपके साथ रिप्रेशन किया है, सताया है, तो मुमकिन है मीडिया स्टेट के साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ नहीं। तो इस मीडिया ने बहुत बड़ी आबादी को स्टेटलेस बनाया है। दो तरह के स्टेटलेस हैं फैजान साहब, जिसमें एक माइनॉरिटी है स्टेटलेस है, और दूसरा एक मेजॉरिटी है जो उस परसेप्शन के कुएं में बंद कर दिया गया है। तो उसे भी स्टेट का बड़ा हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसे भी इन्फॉर्म्ड नहीं किया जा रहा है, उसको एम्पावर नहीं किया जा रहा है कि आप नई सौ तरह से इन चीजों को देखिए। तो वो भी एक एक तरह से स्टेटलेस क्रीचर में बदला जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है रवीश जी के हम रेडियो रवांडा से कितनी दूर अब खड़े हैं? हम बिल्कुल उसके आगे चले गए हैं। देखिए, अब जो हत्याओं का स्वरूप बदल गया है, अब हत्या वो समझिए कि नरसंहार, आप उन उस तरह के हेडलाइन में नहीं है या उस तरह के एक्ट में नहीं है जहां पर हजार लोगों को मारा गया है, ये भी नरसंहार है। और आप लोगों को अपनी सोच में ये बदलाव करना चाहिए और अपने चश्मे में भी कि हजार लोगों का समूह है, 10,000 लोगों का समूह है और पुलिस उनको आकर मार जाती है, उनका कोई लीगल राइट्स नहीं, प्रेग्नेंट लोगों को उठाकर बंद कर दिया जाता है, उनका कोई लीगल राइट्स नहीं है, यू कह दिया जाता है कि आप इंसाफ के लिए लड़ते रहे। लेकिन जो जो वायलेंस को इंसाइट करता है, जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ आईटी सेल का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये भी एक किस्म का एक तरह से नरसंहार है जिसको मैं कहता हूं। और जब डेमोक्रेसी में एक बड़ी आबादी को, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से बिलोंग करती हो, आप उसको राइटलेस, अधिकार विहीन कर दें, तो ये भी एक तरह से मैसेकर है फैजान साहब। हमें मैसेकर के बारे में अब अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, खासकर जब सरकारें टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर आपके लोकतांत्रिक एंटिटी, डेमोक्रेटिक एंटिटी होने की जो ऑर्गेनिक कैपेसिटी है, एक्टिविटी है, उसको अगर खत्म कर दें और उसमें इंफॉर्मेशन ना हो, परसेप्शन हो, तो आप एक तरह से कहे जा सकते हैं या आप कह सकते हैं उस स्थिति को कि हाँ, ये भी एक तरह का मैसेकर। तो हम रेडियो रवांडा से बहुत आगे जा चुके हैं। रवीश जी, ये बताइए कि आपके माइंड में ये गोदी मीडिया टर्म कैसे आया? इतना पॉपुलर हो गया है आप... ये डिक्शनरी को आपका कंट्रीब्यूशन है। ये राइम कर जाता है कई बार हमारे प्रधानमंत्री से, लेकिन उनसे राइम लोग करा देते हैं कि उनका गोदी मीडिया है, पर वो उनका नाम उस तरह से नहीं भी होता कि टाइटल के अंत में द होता और गोदी के अंत में द है, तब भी मैं इसको गोदी मीडिया ही कहता फैजान साहब। एक ऐसा मीडिया हमने देखा जो सिस्टम की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, आजकल के न्यूज एंकर, तब मैं कहा करता था कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जनरल सेक्रेटरी में। अब आप याद करें, आज से 5 या 7 साल पहले जनरल सेक्रेटरी बहुत पावरफुल एंटिटी होता था पॉलिटिकल पार्टी में, और खासकर बीजेपी में तो, जो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, जनरल सेक्रेटरी की बहुत अहमियत होती थी। तो मैं इसको कहता था कि ये जो न्यूज एंकर हैं, जो पार्टी का काम कर रहे हैं एक तरह से, ये आने वाले समय में उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होंगे। और आप देखें कि जब एक हाल फिलहाल में एक पत्रकार के साथ ऐसा प्रकरण हुआ, तो उस पार्टी से या उस विचारधारा से संबंधित सारे लोग उसके साथ खड़े हो गए, तो वो अपने जनरल सेक्रेटरी का बचाव कर रहे थे। वो असली सेक्रेटरी भले ना हो, लेकिन वो वास्तविक जनरल है, और वो जनरल बहुत एक कठपुतली किस्म का जनरल है, उसका असर बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है, ये 7-8 लोग हैं, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे पर रखकर देखें तो इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज एंकर हैं जो एक तरह से इस तरह का काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ी आबादी को इंफॉर्मेशन लेस स्थिति में पहुंचा दिया है, होस्टेज की तरह रखा हुआ है। और जब आप इंफॉर्मेशन लेस हो जाते हैं तो फैजान साहब डेमोक्रेसी में आप स्टेटलेस हो जाते हैं। सही है, ये बनाए रवीश जी, आप अपने प्रोग्राम में बार बार देश के नागरिकों से कहते हैं कि वो टीवी ना देखें। अब अगर हम देश के नागरिक टीवी नहीं देखेंगे तो आपको कैसे देखेंगे? मैं जानता था कि ये सवाल मेरे से भी पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रश्न में मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। आप देख लें कि आप टीवी में क्या देखते हैं। पूरे मार्च के महीने में आप टीवी पर तबलीग देख रहे थे, जबकि वो मौका था सरकार की जिम्मेदारियों को फिक्स करने का और लोगों को वैज्ञानिक बातों से अवेयर करने का। हर चैनल पर एक ही तरह के मुद्दे होते हैं, उसमें जानने के लिए क्या है? एक तरह के विक्टिमहुड को, और आज भी मेरा वो विक्टिमहुड है या नहीं एग्जिस्ट करता, उसको जानने के लिए देख रहे हैं। उस टीवी में अब इंफॉर्मेशन नहीं है सर, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या देख रहे हैं? वो घटनाएं, दुर्घटनाओं की खबरें हैं जो आपको ट्विटर पर मिल सकती है। आप बताएं कि उस टेलीविजन चैनल में कौन सा ऐसा रिपोर्टर है बड़े बड़े चैनलों में जो जाता है सरकार के भीतर के कागजों को पड़ताल करता है, जिस तरह से हाफ पोस्ट में नितिन अमन करते हैं या नितिन सेठी करते हैं, इस तरह के अपवाद जो अब ऑनलाइन जर्नलिज्म में बहुत लिमिटेड स्फीयर में हो रहे हैं। टीवी के बड़े पत्रकार या कोई भी पत्रकार हो, वो सिस्टम खत्म हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बड़े पत्रकार ने क्या खबर की नहीं की, वो सिस्टम खत्म हो गया। तो आप देख क्यों रहे हैं? सही है। आप जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, एक अच्छे कंज्यूमर को हमेशा ये सवाल करना चाहिए कि इससे हमारा फायदा कितना हो रहा है, अदर देन बीपी बढ़ने के, डायबिटीज बढ़ने के, हाइपरटेंशन बढ़ने के क्या फायदा हो रहा है? आप डिबेट, 4 लोगों के साथ डिबेट देखते हैं फैजान साहब, वहां पर 2 लोगों को बुलाया जाता है, आजकल पता नहीं ये कहां से ये भाड़े के मौलाना आते हैं जो एक तरह से वो उपलब्ध कराते हैं कि आइए आप हमें गाली दें, और एक पूरी सोसाइटी को खराब तरीके से वो कैरिकेचर करके पेश करने के लिए आते हैं, कहते हैं वो अपने आप को बड़े मौलाना वगैरह, और दूसरे प्रवक्ता आ जाते हैं और दिन भर वो हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है। सरकार से सवाल करना, उससे जवाबदेही जब पत्रकारिता करती है तो उसमें जनता एम्पावर हो जाती है। जनता सोचती है कि हमने जिस ताकतवर को कुर्सी पर बिठाया है, देखो उससे क्या बढ़िया से सवाल पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब जर्नलिज्म अपने एक्टिव फेज में होता है तो पब्लिक गेन करती है, जब जर्नलिज्म अपने सबमिसिव फेज में होता है तो पब्लिक लूज कर जाती है। और ये पब्लिक, मैं यहां बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई पब्लिक लूज कर रही है इस वक्त, वो मेजॉरिटी है। सही है, उसके जो सवाल है वो गायब कर दिए गए, उसके बच्चों की नौकरी के सवाल जो हैं वो गायब कर दिए गए, उसकी नौकरी चली गई है, सैलरी कट गई है, अब वो बिजनेस में जीएसटी कैसे दे नहीं दे, इन सारे सवालों को गायब कर दिया गया है। उसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि एक छोटी माइनॉरिटी जो है उसके साथ जो अदर का एक क्रिएशन हुआ है उसको डिफेंड करना। अब वो जो मेजॉरिटी है वो डिफेंडर ऑफ अदर, प्राइम मूवर नहीं है, उसको एक तरह के खतरे की संभावना में डालकर रख दिया गया है। तो फिर वो क्यों देख रही है? मैं उस मेजॉरिटी से पूछ रहा हूं कि आप, आपका काम, आप यही चाहते हैं ना कि आप नरेंद्र मोदी को वोट दें, जाके वोट दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा कभी कि आप ना दें, लेकिन अगर आप उनको वोट देने के बाद मीडिया को चाहते हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बर्ताव करे, तो आप अपने पांव पर तो कुल्हाड़ी माहिर हैं, और जिस भी मकसद से आपने चुना है उन्हें, जिस भी विकल्पों को देखते हुए कि यही सबसे अच्छे हैं, तो आपके कुछ सपने होंगे, आप चाहते होंगे कि वो ये काम करें,
तो उन कामों का हिसाब किताब आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा काम ना करें, ये मैं जनता से कहता हूं फैजान साहब, कि आप अपनी आवाज खो दें। अगर आप अपनी आवाज खो देंगे, अगर मीडिया कमजोर हो गया, वो बिक गया, और वो चूंकि वो मीडिया बन के अब नहीं आता, अब वो उस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के पीछे छिप कर आता है, तो कभी वो धर्म का मसला उठा लेगा, कभी वो राष्ट्र का मसला उठा लेगा। ये बीजेपी कर सकती है, करे, वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मीडिया जो है उसके उसके पीछे छिप के ये जो काम कर रहा है, इससे बीजेपी को वोट देने वाली जो जनता है वही एक दिन निरर्थक हो जाएगी, उसकी कोई सार्थकता नहीं बचेगी, उसकी कोई आवाज नहीं बचेगी। तो मैं जितनी बातें कहता हूं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो मोदी के सपोर्टर है, मैं उनकी आवाज को बेहतर करने के लिए करता हूं कि आप सरकार पे बेहतर दबाव बनाए, रचनात्मक दबाव बनाए, क्योंकि एक व्यक्ति सरकार में काम नहीं करता है, उसके पास 45 लाख लोगों का सचिवालय होता है, 25 30 40 70 मंत्री होते हैं। तो अगर आप दबाव बनाएंगे तो कम समय में ज्यादा काम होगा, अगर आप दबाव वहां बनाने की बजाय मेरे ऊपर बनाएंगे तो ज्यादा समय में ज्यादा नुकसान होगा। ये बताइए रवीश जी, ये कहते हैं कि यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व, तो क्या ये बात मीडिया के बारे में भी कही जा सकती है कि वी गेट द मीडिया वी डिजर्व, कि मीडिया हमने ऐसा हम डिजर्व करते हैं कि वो सरकार के बजाय अपोजिशन से प्रश्न पूछे या आप जैसे पत्रकारों से प्रश्न पूछे? नहीं, हम डिजर्व नहीं करते हैं। अगर अगर यही मीडिया अभी चार दिन सरकार की जो लापरवाहियां हुई मजदूरों को ले जाने के सवाल को लेकर, या जरूरी चीजों को छोड़कर शराब की दुकान खोलने के लिए, दो महीने पहले तो तक तो आप कह रहे थे कि हम दुनिया के अव्वल देशों के मुकाबले खड़े होने जा रहे हैं, हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, और आप चार हफ्ते भी झटका नहीं झेल सके, तो आपको पैसा कमाने के लिए शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। वहां आज शराब कौन पी रहा है? मैं इसका एक रिलीजियस, मैं आपको एक रिलीजियस दे रहा हूं कि शराब कौन पी रहा है इस महीने में। तो उनके बच्चों को या उनके उनके चीजों को आप बर्बाद कर रहे हैं ना, आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप शराब बेचने पर आ गए, और अभी तक आपने दुनिया के उन बड़े देशों की तरह लोगों को सैलरी जाने पर कंपनसेशन नहीं दिया है, बिजनेस जाने पर सैलरी नहीं दी है, जिस तरह से अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। तो ये सारी चीजें वो खत्म हो गई हैं। तो मैं उन्हें फैजान साहब इस अंधेरे कुएं में धकेला है। पहले कहा कि आपने जिस मोदी को चुना है वो बड़े तेज तर्रार और इतिहास में ऊर्जावान नेता के रूप में आए हैं, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके चक्कर में आपका विलय डिसॉल्व हो जाता है पूरे उसकी आइडियोलॉजी प्रोपेगेंडा में, और आपको एक तरह से जनता और सरकार के बीच में खड़ा होना चाहिए था, आप सरकार में घुल मिल गए और आपने सरकार की जवाबदेही से संबंधित सारी सूचनाओं को छुपाकर एक अलग तरह का खतरा गढ़ा कि माइनॉरिटी से हमें खतरा है और वो हमारी असली दुश्मन है, वो विपक्ष दुश्मन है। दुनिया के किसी भी इतिहास के क्रम में, पत्रकारिता के इतिहास में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो भी एक ऐसी सरकार के सामने जो अपना छठा साल पूरा करने जा रही है। और आप देखेंगे अमेरिका से तुलना कीजिए फैजान साहब, तो वहां एक फॉक्स न्यूज है, भारत में सब फॉक्स न्यूज हो गए हैं। तो अब आप सोचिए कि किस रफ्तार से हम जनता को बदल रहे हैं। जनता की इसमें गलती नहीं है, जनता अभी भी समझ रही है कि ये प्रेस है, पत्रकारिता का काम कर रहा है, और पत्रकारिता अपना काम नहीं कर रहा है। जैसे हम बहुत सारे लोग बहुत सारे अस्पतालों में जाकर ठगे जाते हैं, अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, उसी फेज में, इसका मतलब ये नहीं कि जनता घटिया अस्पताल या घटिया डॉक्टर डिजर्व कर, उसके उसकी सूचनाओं की जो दुनिया है आप इतना सीमित कर देंगे
तो ये जो मीडिया गवर्नमेंट है वो जैसा मीडिया चाहती थी, जिस तरह का डेमोक्रेसी चाहती थी, वो इसका एक उदाहरण है कि वो ये आज का जो मीडिया है। जनता की गलती नहीं है फैजान साहब, वो अपने कामों में रहती है। अगर वो सारा मीडिया इसी तरह से बनाता चला जाए क्रम का क्रम, तो उसे भी लग सकता है कि हाँ ये लोग दिखा रहा है तो सही है। सही। ये बताइए रवीश जी, मैं तो क्योंकि लॉ पढ़ाता हूँ और ये जो हमारा लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का चैनल है, इसका पूरा पर्पस ये है कि लोगों को लॉ के बारे में सही जानकारी दे दी जाए, जब मेन स्ट्रीम मीडिया में लॉ का बहुत जिक्र है, तो आप ये बताइए कि एज ए जर्नलिस्ट आप लॉ को जानने की क्या महत्ता समझते हैं? फैजान साहब, मैंने आपसे काफी सीखा है और आप जरूर अच्छे टीचर होंगे क्लासरूम में, मैं आपके क्लास में कभी रहा नहीं, और आपके ही जरिए ध्यान गया, क्योंकि मैं एक ऐसे कम्युनिकेटर की तलाश में भी था कि जो मेरी जो हिंदी है उसमें लोगों से संवाद कर सके कानून की जटिलताओं को। उसके पहले तक क्या हो रहा था कि एक काबरा साहब थे जो इस तरह की चीजों पे बोलते थे, कभी कभी कुछ वकील लोग थे, लेकिन ज्यादातर बड़े वकील कानून को अंग्रेजी में बयान करते थे और वो गेम कर जाते थे। तो मैं आपको ही याद दिलाता हूं कि जब अरुणाचल में और उत्तराखंड में सरकार गिरी, तो उस समय जो नाम लेना उचित नहीं है, तो जिनकी धाक थी मीडिया में वकील के रूप में, उनके ब्लॉग के रूप में, तो हम लोग भी सोचते थे कि ये लोग अंग्रेजी में लीगल चीजें लिख देता है तो कानून की बातें लिखता है। लेकिन जब आपने कानून की धाराओं से चीजों को समझाया और अंत में दोनों ही मामलों में, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के मामले में और अरुणाचल प्रदेश में शासन लगने के मामले में, आपकी दोनों ही बातें अक्षरशः सही साबित हुई, तो मेरा इंटरेस्ट बना और अब मैं ये समझता हूँ फैजान साहब कि इस दुनिया में अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो और दूसरा डेटा की अंडरस्टैंडिंग, यानी आप कुछ कुछ डेटा साइंटिस्ट हों और कुछ कुछ अच्छे लॉ के जानकार भी हों, तो मुझे लगता है ऐसा कॉम्बिनेशन किसी में होगा वो थोड़ा आगे जाएगा, कमांड करेगा पब्लिक कम्युनिकेशन को जो पहले से समझ पाए। हिंदी पत्रकारिता में कानून की बात बहुत ही सतही स्तर से होती है, खासकर हिंदी पत्रकारिता ने कभी भी संवैधानिकता या नागरिकता के बोध को लेकर बहुत बड़ा मसला नहीं बनाया, और इसका कारण यही था कि उसके प्रति जो जो उसकी समझ थी वो कानूनी नहीं, राजनीतिक थी, सामाजिक चेतना की जरूर बहुत अच्छी समझ थी, तो तमाम तरह के राजनीतिक उभारों को सामाजिक चेतना के दायरे में तो देखता था उसके फ्रेम में, जो कि उस वक्त की शायद बड़े परिवर्तन भी थे, लेकिन वो उन बदलावों को एक संवैधानिकता के फ्रेम में नहीं ले जा सका, दे नहीं सका। इसका कारण ये था कि हम इसमें दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है। बहुत जरूरी है इस वक्त, अगर आप देखिए कोरोना के का वक्त चल रहा है, मैं नहीं जानता कि हिंदी में कोई ऐसा पत्रकार है, जिसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं, कि जो इस वक्त मरीजों के अधिकार को लेकर या जो जो आप बीमार पड़ जाते हैं, पुलिस आकर आपको घेर ले जाती है, तो ऐसी वक्त ऐसी परिस्थिति में आपके क्या लीगल राइट्स है, इसको समझाने वाला कोई नहीं, और इन प्रश्नों की तरफ जाने वाला, इसको डेमोक्रेसी के बड़े सवालों से जोड़ देने वाला पत्रकार नहीं है कि वो ये बता सके कि इस 40 दिनों की तालाबंदी में सरकारों ने जुर्माना तय करने के कितने जुगाड़ निकाले। थूकने पर जुर्माना है, ये तालाबंदी में सब कुछ बंद है, लेकिन दिल्ली में 7 लाख गाड़ियों के चालान हुए हैं, 7 लाख चालान हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश का डेटा देखिए तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कई हजार लोग अरेस्ट हुए हैं। तो उस तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी, सलाहियत जिसे आप उर्दू में कहते हैं, वो पत्रकारिता में नहीं है। अगर होती तो पत्रकारिता ये दो ये जो मौलाना और एक लेके जो बहस करते हैं वो छोड़ के लोगों को एम्पावर करती, उसको ताकतवर बनाती कि आप अपना अधिकार जान।
तो आप इस दौर में बहुत सारे अधिकार जा रहे हैं लोगों के, उसको कानूनी फ्रेमवर्क में बताने की क्षमता किसी पत्रकार में नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पत्रकारिता तो अपना नुकसान कर ही रही है इन सारी चीजों के नहीं होने के, इसके साथ साथ वो जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। जनता आधी अधूरी जानकारी में है, हताश है, अधिकार विहीन महसूस करती है, फिर उसको लगता है कि कोई दूसरा आएगा, मसीहा कुछ कर देगा, उसको सबको एम्पावर करने का काम नहीं कर पाता। बहुत ही बुरी स्थिति है, हिंदी में भी और फैजान साहब अंग्रेजी में भी, कुछ लोग भले आप लिख देते हैं, एपी शाह साहब लिख देते हैं, जस्टिस लोकुर लिख देते हैं, वहां भी लीगल रिपोर्टिंग की हालत बहुत ही खराब है। ये बात सही है। ये रवीश जी, मैं अंत में आपसे जरा सा एक प्रश्न ये भी पूछना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में सरकारें जो हैं, उन्होंने ये कोरोना वायरस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए या तो इमरजेंसी लगा दी या इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया, तो क्या आपको ये लगता है कि मीडिया में इस मुद्दे पे उतनी बहस नहीं हुई? कितने देशों में इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए, इसराइल में सुप्रीम कोर्ट और उनकी अदालतों को बंद करने का प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह का डिक्री इश्यू कर दी, ऑर्डर पास कर दिया, तो कहीं पे मीडिया में इस पे इतना डिस्कशन नहीं हुआ कि कोरोना वायरस को डील करते हुए हमारी जनतांत्रिक जो मूल्य हैं हमारे और लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनका बिल्कुल हनन नहीं होना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब फैजान साहब ये है कि जो मीडिया है, खासकर भारत का जो मीडिया है, बाहर के देशों में कुछ कुछ कई जगहों पर इसके लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसका अब वो अब डेमोक्रेसी का स्टेक होल्डर नहीं है। वो कभी भी जहां भी लोकतंत्र इस तरह से जा रहा है उसको लेकर अब शोर नहीं करता, वो लोगों को नहीं बताता कि लोकतंत्र का जाना खराब है लोगों के। अब वो उसका महिमा मंडन करता है, उसको हीरोइक प्रेजेंट करता है कि ये फलाने हैं, 10 साल से चुनाव नहीं हुआ, यही सत्ता में बने हुए हैं, तो इसलिए वो उन सवालों को लेकर आएगा। वहां बाहर के ही डेमोक्रेसी के खतरों को लेकर भारत में अगर बहस करेगा तो वो सवाल भारत से भी टकरा जाए। वो करता है, लेकिन उसने विपक्ष के द्वारा शासित कुछ छोटे राज्यों को चुन रखा है इन सब प्रश्नों के लिए, लेकिन बाकी जो प्रश्न है वो कहता है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। तो भारत के मीडिया का अब जो उसका हित है, इंटरेस्ट है, वो डेमोक्रेसी में नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर गवर्नमेंट से अलाइंड हो जाने के कारण उसका हित ज्यादा है, क्योंकि फिर आप उसका हर चीज सिक्योर है, पैसा सिक्योर है, विज्ञापन सिक्योर है, स्टेटस सिक्योर है, और सिक्योरिटी सिक्योर है फैजान साहब। तो वो अब ये हमें सोच बदल लेनी चाहिए कि मीडिया का स्टेक इस बात में है कि वो दो को लेकर सैडली। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने इस मीडिया को यह समझ कर देखना शुरू किया था कि यह आपको इन्फॉर्म्ड करता है, सूचित करता है, ताकि आप एक डेमोक्रेटिक एंटिटी, ऑर्गेनिक एंटिटी बन सके। जब यह आपको करता ही नहीं है तो फिर आप अपना कीमती वक्त और वो अपनी जेब से दिया गया 200 रुपया क्यों जाया कर रहे हैं? क्यों ना आप उस पैसे को प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें, भले केयर में ना दें, जिसका सीएजी के ऑडिट पे लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन वहां दे दें, मुख्यमंत्री के फंड में दे दें, या किसी गरीब को दे दें, ये कितना अच्छा है, और शाम को टहला करें। जी जी। अच्छा रवीश जी, अंत में ये जो हमारा लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है, अब इसके 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और कई मिलियन व्यूज हैं, उनके लिए कोई एक संदेश संक्षिप्त में आप देना चाहें तो जरूर दें। हाँ जरूर, कि वो आपसे जुड़े रहें और भरोसा करें कि आप जो भी जानकारी देंगे, क्योंकि आप एक पेशेवर शिक्षक हैं, तो और आप किसी दो छात्रों में फर्क नहीं कर सकते, अब इतनी जिंदगी आपकी गुजरी है, तो आप अपने जानकारियों को देने में, क्योंकि आप
के ही रब्ता होने से मुझे पता चला कि बड़े बड़े वकील लोग संवैधानिक व्याख्याओं में किस तरह का खेल कर जाते हैं और एक गलत चीज को पचा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को लोग काफी सीरियसली लें और ध्यान से सुने, सिर्फ जुड़े नहीं बल्कि ध्यान से सुने और सुनने के बाद दूसरों को भी बताएं। मुझे लगता है कि इस वक्त में हम कानूनी अधिकारों के प्रति जितना जागरूक होंगे, भले ही उन अधिकारों को मिलने में बहुत तरह की अड़चने हों, लेकिन जानना पहली सीढ़ी। अगर हम जानेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमने क्या गवा दिया और पता नहीं चलेगा कि जो गवाया है उसे कैसे वापस लेना है। तो इन दोनों मकसदों को पूरा करने के लिए इस तरह की सीरीज बड़े पैमाने पर चलनी चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ये काम मीडिया का था, पर आप ये काम कर रहे हैं अपने अतिरिक्त काम से, समाज को दीजिए। और जो पीछे आपकी कानून की भारी भरकम मोटी मोटी अंग्रेजी में जो किताबें हैं वो आप उर्दू और हिंदी में लोगों को बांट दीजिए पर्ची छपवा कर, और फिर आप देखिए कि उसका अच्छा असर होगा। ये विश्वास रखना चाहिए, अच्छी चीजों का असर धीरे होता है मगर जो पेड़ उससे निकलता है वो बरगद होता है और वो सबकी छायाओं के लिए होता है। तो इसलिए अच्छा है, और मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ आपके लीगल सीरीज का, मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं इसे बहुत ही सीरियसली देखता हूँ फैजान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कहावत तो रवीश जी ये है कि आप जो है हिंदी जर्नलिज्म के बेताज बादशाह है, बट मैग्सेसे अवार्ड मिलके आपके ऊपर ताज लग गया है, तो अब आप ताज वाले ताज नहीं है। कोई ताज नहीं है सर, लोगों का प्यार मिला तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इस नफरत के दौर में जहाँ एक पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ ट्रोल करता है, जिंदगी बहुत खतरे में रहती है, वहाँ लोगों का उस दौर में भी इतना प्यार मिला है तो मैं किस्मत वाला अपने आप को समझता हूँ। और सचमुच ये सोचकर मेरा सर बहुत बार झुकता है दिन में कि कोई ऐसा भी है कि जिसने मुझसे जो मुझसे मोहब्बत करता है, तो यही जीने का एक मकसद भी है। सो ताज नहीं है, ताज ना रहे मेरे सर पे कोई, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि पत्रकारिता अपने पुराने वहां कोई गोल्डन एज नहीं था, लेकिन नया अच्छा जर्नलिज्म जर्नलिज्म की तरह हो जो शायद होता हुआ नहीं दिखेगा। मुझे ये भी पता है, पर मैं चाहने में क्या बुराई, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी, आपके ऊपर पूरे देश को गर्व है और आप चाहे ताज वाले पत्रकार न माने अपने आप को, लेकिन पूरे नेशन के आप जरूर कॉन्शियंस कीपर हैं, और आपको बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।